जैसा सबको मालूम है 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। उस वक्त मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया। गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था। वही सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हो रहे हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सूर्यवाला जी बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही थी देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है। 2 लोग फेरते कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। सूर्यवाला ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है, मैं सोच रहा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा। उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटका के अंदर। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं, लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो। पूरी ताकत झोंकी गई, तमाशा सबने देखा, वो आपके सामने है।